बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी में हम मैथ डिस्कस कर रहे थे और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। बच्चों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कम से कम 16 प्रश्न हैं और 16 प्रश्न जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर से पूछे जाते हैं वो। इसलिए बच्चों, हमने इसको 3 पार्ट में पढ़ने का निर्णय लिया है, जिसमें कि हमने एक पार्ट जो है ऑलरेडी देख लिया है और आज जो है एक पार्ट देखेंगे और एक पार्ट और लगाएंगे, उसमें ख़त्म कर लेंगे। बच्चों, आपको लग रहा होगा सर 16 प्रश्न है, क्यों नहीं एक वीडियो में ख़त्म कर दे रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो बच्चों, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा, आराम से आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच कर पाएंगे, जिससे कि आपकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 6 प्रश्न देख लिया था इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। बच्चों, आज हम 7वीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 7वां प्रश्न क्या है। सभी बच्चों से कहूँगा किताब लेकर के बैठिएगा और क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। बेटा, यहाँ पे एक बात रखिएगा, ठीक है ना। कह रहे कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है बच्चों। मान लीजिए यहाँ तक जो है आपका भवन है बच्चों, ठीक है ना। ये मान लिया कि ये भवन है और भवन के ऊपर बेटा ये संचार मीनार लगी हुई है, बात समझ में आई। फिर कह रहा है कि संचार मीनार से जो है भूमि पर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर से, तल कौन सा कहलाएगा बच्चों, ये उसका तल होगा, ठीक है ना, और शिखर ये होगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा बन रहा है, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये उसका क्या होगा बेटा, तल हो जाएगा, और ये जो होगा उसका क्या होगा आपका, शिखर हो जाएगा, बात समझ में आई। कह रहा है कि तल से तो वो 45 अंश का कोण बना रही है, लेकिन शिखर से कुल कितने का कोण बना रहा है बेटा, तो 60 अंश का कोण बना रहा है, बात समझ में आई। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा कि 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा, 20 मीटर की है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो पूछ रहा है कि बताओ इस मीनार की ऊँचाई कितनी है, संचार मीनार की ऊँचाई कितनी है। तो हम यहाँ पर आराम से ज्ञात करेंगे, मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया था त्रिकोणमिति के अंदर 8.1, अगर वो आपने पढ़ा है और उसके बाद जो मैंने 8.2 पढ़ाया, इन दोनों चैप्टर को अगर आपने अच्छे से वॉच किया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत आराम से होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे, सबसे पहले जो है ना मीनार को मान लेते, ये ए है, बी है, सी है, और ये बेटा डी मान लिया हमने, ठीक है। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, मतलब त्रिभुज बी सी डी में कोण क्या है, 45 है ना। तो आप ले सकते हैं कि टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, मतलब बी सी बटा में सी डी, ठीक है बच्चों, सी डी, क्योंकि टैन का बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। बेटा यहाँ पे थीटा कितना है, 45 अंश है, टैन 45 अंश बराबर। फिर कह रहा है बेटा ये कितना है, नहीं पता है, सी डी पता है क्या, बिल्कुल नहीं, बी सी पता है आपको कितना है, 20 दिया गया है, ठीक है बच्चों। बी सी कितना है आपका, यहाँ पे 20 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप रुकिए, यहाँ पे बी सी बटा में क्या होगा, सी डी होगा बच्चों, ठीक है ना। तो बी सी कितना है आपका, 20 दिया गया है, सी डी आपको पता चल गया। टेन 45 का मान बेटा 1 होता है, मैंने आपको बताया था 8.2 में टेन 45 का बच्चों मान 1 होता है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, 20 बटा में सी डी, और सी डी से गुणा करेंगे तो सी डी बराबर बेटा 20 मीटर आएगा, मतलब ये भी कितना आ गया, 20 मीटर का आ गया बच्चों, ठीक है ना, ये भी कितना आ गया, 20 मीटर का आ गया। बेटा एक बात और आपको समझना है कि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, अब हम इस पूरे त्रिभुज को लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा बच्चों, पूरा ये 60 का है बच्चों, तो क्या होगा, टेन 60 अंश, और लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, ये और ये पूरा, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी और ये बी सी जोड़ देंगे तो पूरा लंब आ जाएगा, बटे आधार कितना है, सी डी है बच्चों। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, करणी में 3 होती है, ए बी बच्चों हमको नहीं पता है, ज्ञात करना है जो कि मीनार की ऊंचाई है, और बी सी पता है 20 दिया गया है, सी डी भी पता है वो भी 20 है। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 20 करणी में 3 हो जाएगा, 20 करणी में 3 बराबर ए बी
प्लस बीस। इस 20 को आप इधर लेके आएंगे तो 20 करणी में 3 माइनस 20 बराबर ए बी हो जाएगा, या 20 दोनों में से कॉमन कर देंगे तो करणी में 3 माइनस 1 बराबर ए बी हो जाएगा, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। ए बी तो मीनार की ऊंचाई है और ए बी आपकी निकल गई यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका मीनार का ऊंचाई हो गया। तो इसको बच्चों आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, बहुत आराम से सारे क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आपने अगर वो पूरा वीडियो देखा है, आपको ये पूरा का पूरा देख जाना है, जितना भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है बच्चों, ये सारा ही मैंने एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व कराया है। हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा भले ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटे वीडियो हैं बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों, ठीक है ना। सातवां प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुका है और हम देखेंगे यहाँ पर आगे के सेशन को बच्चों। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सारे टॉपिक्स को आप देखते जाइएगा, जो आपको लगता है कि नहीं ये वाला कमज़ोर है उस टॉपिक को आप जा करके 2 से 3 बार भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडस्टल की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। बच्चा पेडस्टल का मतलब कुछ नहीं है, एक फाउंडेशन है और फाउंडेशन के ऊपर मूर्ति बनाई गई है, बस कुछ नहीं, याद रखिएगा। ये क्या है यहाँ पे हमने मान लिया बेटा, ये क्या है एक फाउंडेशन है और फाउंडेशन के ऊपर क्या लगी हुई है बेटा, ये एक मूर्ति लगी हुई है, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया यहाँ से ए बी सी, वही क्वेश्चन एक बार फिर से यहाँ पर है बच्चों, ठीक है ना, बस देखना यही है। लेकिन यहाँ पर इसकी ऊँचाई दे दी गई है 1.6 मीटर, मूर्ति की ऊंचाई कितनी बेटा 1.6 मीटर, और क्या क्या रहा है कि देखिए यहाँ से मूर्ति के शिखर से कोण कितना बन रहा है, मूर्ति के शिखर से ये कोण बन रहा है बेटा आपका 60 अंश का, ठीक है ना, मूर्ति के शिखर से 60 अंश का कोण बना। और यहाँ पे जो पेडस्टल जो आपको दिया है इसके शिखर, इसका शिखर यहाँ पे होगा, इससे का कितना का बन रहा है बेटा 45 अंश का, मतलब पेडस्टल के शिखर से बन रहा है आपका 45 डिग्री का, याद रखिएगा। ये हो गया आपका 45 डिग्री, है कि नहीं वही वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था बच्चों, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं इस पर, सबसे पहले करें क्या करेंगे, कुछ नहीं बाबू, इसका भी नाम कुछ रख लीजिए, मान लीजिए डी है। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में अगर आप लेंगे तो क्या होगा टेन पैंतालीस बराबर, क्योंकि डी सी बी का कोण क्या है बेटा आपका 45 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब क्या होगा बी सी होगा, तो लंब बी सी बटे में बेटा आधार क्या होगा सी डी हो जाएगा। टेन 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है और बी सी बटे में सी डी, या इसको उधर लेके जाएंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब क्या है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था बेटा, क्वेश्चन में पूछा था कि पेडस्टल की ऊँचाई, मतलब इसकी ऊँचाई ज्ञात करनी थी आपको, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों की ऊंचाइयाँ क्या है बेटा समान है। अब बताइए ज़रा, अगर हम पूरा ये त्रिभुज ले लें, मतलब त्रिभुज ए सी डी में, तो क्या होगा टेन 60 अंश होगा बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और टेन 60 में बेटा आप जानते हो ये पूरी ऊंचाई आपको लेकर के चलनी है, ठीक है, ये पूरी ऊँचाई, मतलब क्या होगा ए बी प्लस बी सी बटे में, बताइए ज़रा ये पूरी की पूरी ऊंचाई कितनी होगी सी डी हो जाएगी, बात समझ सी डी। लेकिन आपको पता है कि सी डी बराबर क्या है बी सी, क्योंकि हमको बी सी ही निकालना है ना, सी डी से मतलब है ही नहीं, सी डी को रिप्लेस कर लेंगे बी सी से, तो टेन 60 का मान हो जाएगा करणी में 3, ए बी का मान दिया है 1.6 और बी सी तो वैसे ही रहेगा, और सी डी भी बेटा कितना है सी डी की जगह पर बी सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये जाएगा इधर तो क्या होगा करणी में 3 BC हो गया बराबर 1.6 और ये क्या होगा प्लस बी सी, ठीक है बच्चों। इसको अगर आप बी सी को उधर लेके आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करणी में 3 BC माइनस बी सी बराबर 1.6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे अगर बी सी को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा करणी में 3 - 1 बराबर 1.6, नीचे लेके जाएंगे तो बी सी बराबर क्या आएगा 1.6 / करणी में 3 - 1। अब याद रखिएगा कि चूंकि हर के अंदर करणी हटाना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना, तो हर के अंदर करणी हटाने के लिए इसके जो है अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कोई उसमें मान में परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों।
तो बी सी बराबर हो कितना गया, यहाँ पे अगर आप गुणा करेंगे तो 1.6 ऐसे रहने दीजिएगा, और ये करणी में 3 और ये प्लस 1 ऐसे रहेगा। बच्चों ये कितना हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, उसी का फार्मूला बनना है ना बच्चों यहाँ पे। तो क्या होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मतलब करणी में 3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। बेटा आ कितना जाएगा, 1.6 करणी में 3 प्लस 1 बटा में 2, कटा दोगे 0.8 बार में कट जाएगा, मतलब 0.8 करणी में 3 प्लस 1 मीटर जो होगा वो BC की ऊंचाई है, मतलब इस पेडस्टल की ऊंचाई है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन पहला वाला ही था, उसमें ये निकालना था ये दिया था, अब इसमें जो है ये दिया है ये निकालना था, हो गया आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। आंसर किसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे बच्चों, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, और 16 ही प्रश्न है, इसलिए मैं इसको जो है 16 जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे दो दो चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूँ, ताकि तीन वीडियो भले लगे तीन पार्ट लगे लेकिन आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। मेरे पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि बस कुछ बच्चों को समझ में आए कुछ को ना समझ में आए, मैं चाहता हूँ कि कमज़ोर बच्चा भी है उसे भी बच्चों समझ में आए, ठीक है ना। अगर वो प्रॉपर देखो डायरेक्ट इस वीडियो को आप देखोगे ना, तो हो सकता है कि आपको कुछ कठिनाइयाँ आएंगी बच्चों, इसलिए आप त्रिकोणमिति के जो परिचय मैंने पढ़ाया है उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। और ख़ास करके 8.1 और 8.2 तब जाकर के ये वाला टॉपिक आप कवर कर पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। 9th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है बच्चों। एक मीनार दिया गया है, ठीक है ना। मान लीजिए एक मीनार यहाँ पर है और एक भवन बेटा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु मतलब नीचे वाले बिंदु को कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे देखिए कितने का है, 30 अंश का है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे हो गया, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ देखिए मीनार का शिखर क्या है, ये है ना, उन्नयन कोण कितना बेटा 60 अंश का है, बात समझ में आई। यदि मीनार की ऊँचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए, अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी बच्चा, अब बताओ जरा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अगर आपने फिगर बना लिया होता क्वेश्चन आराम से हो जाता, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर मैं नामकरण कर दूँ ए बी सी एन डी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखेंगे कि त्रिभुज यहाँ पे डी बी सी में, अगर ये वाला त्रिभुज की बात करें बच्चों तो क्या होगा, टेन का मान लेंगे, क्योंकि आधार बटा लंब बटा आधार की बात करेंगे तो टेन को लेकर चलेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब कितना है बाबू यहाँ पे सी डी दिया गया है, आधार यहाँ पे बी सी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के जगह पे 60 है तो टेन बेटा हो जाएगा 60, और सी डी के जगह पे दिया है 50 और नीचे दिया है बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। करणी में 60 का मान, सॉरी टेन 60 का मान करणी में 3 होता है, 50 बटा बी सी, बी सी को इसके जगह पे लाइएगा और करणी में 3 को इसके जगह पे लेके चले आइएगा, तो क्या होगा बी सी बराबर 50 बटे करणी में 3, ये निकल गया आपका बी सी की क्या बेटा लंबाई। अब बी सी की लंबाई निकल गया तो मुझे लगता है कि ए बी का लंबाई निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा, तो त्रिभुज ए बी सी में बेटा क्या हो जाएगा आपका, इस त्रिभुज को लेंगे ना तो क्या होगा, ये आपका तो निकल चुका है कितना 50 करणी में 3, ये पता है, ये निकालना है, वही टेन का ही यूज़ करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार मतलब लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी बच्चों, ठीक है ना। तो टेन थीटा का मतलब कितना होगा 30 अंश, टेन 30 अंश बराबर लंब बाबू कितना है आपका ए बी ही है, और बी सी कितना है आपका 50 करणी में 3। अब आप जानते हैं सभी लोग कि टेन 30 का मान होता है 1/3, इसका इधर गुणा होगा तो क्या होगा 50/3 और बराबर हो जाएगा ए बी, मतलब क्या हुआ 50/3 बराबर ए बी, यानी ए बी की क्या हो गई, इतना मीटर जो है ए बी निकल चुका है आपका, आपका ए बी ही क्या है बेटा भवन है आपका, ठीक है ना। और भवन की ऊंचाई कितनी है आपकी 50/3 मीटर है, तो आप जल्दी से इसका भी क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर आप दशमलव तक ले जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ तक भी कर सकते हैं तीन से भाग दे करके, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए बच्चों, ठीक है ना। 16 में से हमने 9 क्वेश्चन यहाँ पे बेटा देख लिया है, आगे के क्वेश्चंस को हम देखते चलेंगे, ठीक है ना। आइए अब कह रहा है दसवां प्रश्न, यहाँ पे दसवां प्रश्न क्या है थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक जो है 10 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मान लेते हैं बेटा ये 10 मीटर जो है चौड़ी सड़क है, ठीक है बच्चों, 10 मीटर है ना यहाँ पे, सॉरी 80 मीटर है, ठीक है ना, 80 मीटर है बाबू, 80 मीटर यहाँ पे क्या है चौड़ी सड़क है, थोड़ा सा सड़क में बढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना। ये 80 मीटर जो है चौड़ी सड़क है और इस दोनों किनारे पे समान लंबाई के बच्चों क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए बेटा, खंभे समान लंबाई के। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 60 और 30 अंश है। समझ में आ रही बच्चों, मतलब कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी सड़क पे किसी एक बिंदु पे अगर जिसके नज़दीक बिंदु होगा उसका कोण बड़ा बनेगा, यहाँ 60 अंश है और यहाँ से जिसका कोण दूर होगा वहाँ पे मान लेते हैं 30 अंश बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये थोड़ा सा चित्र आपको मैं अभी समझाता हूँ क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियाँ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, खंभों की ऊंचाइयाँ और खंभों की बिंदु से दूरी आपसे पूछा है बच्चों, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे एक बात बेटा, यहाँ पे कह रहा है ना कि दो खंभे हैं, उन खंभों को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ए बी और ये सी डी नाम दे दिया, और ये बिंदु जहाँ पे ये दोनों कोण बना रहे हैं उसको हमने जो है ओ से नाम दे दिया बच्चों, ठीक है ना। अब आप देख क्या पा रहे होंगे बेटा कि कह रहा है ना कि ये रोड है, रोड है ऐसे, ठीक है ना, और रोड के किनारे क्या है बच्चों, दो समान लंबाई के खंभे हैं, रोड की टोटल चौड़ाई कितनी 80 मीटर की है, और कह रहा है बेटा कि किसी एक बिंदु पे, रोड के किसी एक बिंदु पे एक खंभा 60 अंश का कोण बना रहा है और उसी बिंदु से दूसरा खंभा 30 अंश का कोण बना रहा है। तो 30 अंश का कोण कौन बनाएगा, जो उस बिंदु से दूरी पे होगा, जो उस बिंदु से ज़्यादा दूरी पे होगा वो छोटा कोण बनाएगा, जो उस बिंदु से कम दूरी पे होगा वो बड़ा कोण बनाएगा। ये आप कंसेप्ट याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है खंभों की लंबाई और यहाँ से इसकी यानी कि ओ बी और ओ डी आपसे पूछी जा रही है। ओ बी ओ डी मतलब कि इस खंभे की कितनी दूरी पे ये बिंदु है और इस खंभे से कितनी दूरी पे ये बिंदु है, ये भी दोनों आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जा रहा है आप कैसे करेंगे, 10 नंबर प्रश्न है बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले किसी एक बिंदु को लेना है, वहाँ से करना है बेटा। सबसे पहले मैं त्रिभुज ले लूँ, त्रिभुज ए ओ बी में क्या होगा, टेन से हम लोग लेंगे क्योंकि आधार और लंब का ही मतलब है ना, यही तो निकालना है हमको, तो टेन में ही आएगा। तो बेटा टेन 60 बराबर यहाँ पे क्या होगा, लंब ए बी बटे आधार क्या है ओ बी, बात समझ में आई। टेन इसका मान कितना होगा, करणी में 3 हो जाएगा और ए बी बटा में बेटा हो जाएगा ओ बी, बात समझ में आ रही है, ए बी बटा में ओ बी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ओ बी को इधर ले जाएँ, ओ बी इधर आ जाएगा, करणी में 3 नीचे लेके आओगे तो ए बी बटा में करणी में 3 हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए इतना तो हमारे दिमाग में आ ही चुका है बच्चों। अब बात करेंगे त्रिभुज किसकी, सी डी ओ की, ठीक है ना, सी डी ओ की। तो सी डी ओ में जब बात करेंगे बाबू, यहाँ पे टेन लेंगे, टेन 30 हो जाएगा, यहाँ पे लंब क्या है, यहाँ पे लंब जो है आपका सी डी है और आधार क्या है बच्चों आपका, यहाँ पे आधार है आपका ओ डी, आधार कितना है आपका ओ डी है। एक बात बताइए, ये समान लंबाई के ना खंभे थे बच्चों, समान लंबाई के जो खंभे होंगे तो ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ डी को हम लिख सकते हैं कि बी डी माइनस ओ बी, ठीक है ना। अगर पूरे बी डी में से ये निकाल देंगे तो ये बचेगा, है ना। तो हम देखिए यहाँ पे टेन 30 का मतलब करणी में 3, एक बटा करणी में 3, सी डी की जगह पे ए बी रख सकते हैं क्योंकि दोनों खंभे बराबर हैं, समान लंबाई के हैं। ओ डी की जगह पूरा बी डी, बी डी माइनस क्या हो जाएगा ओ बी, बी डी माइनस ओ बी हो जाएगा। बेटा एक बात और समझना आप, एक बटा करणी में 3 जो है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर रुको, हाँ यहाँ पे कर ही दो आप, इसका आप अगर मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बी डी माइनस ओ बी बराबर ये हो जाएगा करणी में 3 ए बी। यहाँ तक समझ में आई बात।
फिर OB की वैल्यू अभी यहाँ पे निकली थी क्या बेटा यहाँ पे, तो BD जो है ना आपका, BD कितना है टोटल 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर का है, और OB की वैल्यू कितनी है माइनस यहाँ पे AB बटे करणी में 3, बराबर कितना हो जाएगा करणी में 3 AB। ये बात समझ में आई, 80 को आप बेटा यहीं छोड़िएगा और इसको उधर लेके जाइएगा तो करणी में 3 AB पहले से था, ये जा करके माइनस प्लस हो जाएगा AB बटा करणी में 3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे जब आप LCM लेंगे ना, ये 80 बराबर ये हो जाएगा करणी में 3 LCM, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे करणी में 3 गुणे करणी में 3, 3 हो जाएगा AB, ठीक है बच्चों, AB प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये AB हो जाएगा, मतलब 3 को AB और 1 को AB कितना हो गया, 4 को AB हो गया बच्चों, तो 4 AB हो जाएगा बटे करणी में 3। कटा देंगे तो कितनी बार में, 20 बार में कटेगा, और AB बराबर कितना आ गया 20 करणी में 3 क्या हो गया मीटर, मतलब AB की ऊंचाई ज्ञात हो गई, तो जो AB की ऊंचाई है 20 क्या है बेटा यहाँ पे 20 करणी में 3, तो यहाँ भी तो 20 करणी में 3 होगा क्योंकि दोनों समान ऊंचाई के हैं बच्चों, तो दोनों के दोनों खंभों की ऊँचाई यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। अब देखेंगे OB कितना है, तो OB अगर आपने OB निकाल लिया तो बाकी सारे निकल जाएंगे, तो आप देखेंगे कि OB जो है आपका ना, OB बराबर AB, AB मतलब 20 करणी में 3, 20 करणी में 3 क्या है बेटा आपका OB है, सॉरी AB है, और यहाँ पे करणी में 3 ये कट जाएगा, तो OB कितना निकल गया 20। बेटा एक बात बताओ, टोटल 80 में अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, तो दोनों बिंदुओं की दूरी निकल गई ना, OB बराबर कितना निकल गया 20 और OD बराबर कितना निकल गया बेटा यहाँ पे 60, ठीक है ना, 60 मीटर। बात समझ में आई, ऊंचाई कितना निकल गया, ऊंचाई निकल गया और इनका यहाँ पे बिंदुओं की दूरी भी निकल के आ चुकी है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो एक बार फटाफट जो है इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना, एक बार जो है स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। 10वां प्रश्न बेटा यहाँ पर आपका सॉल्व हो चुका है, तो ऐसे जो है आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब जो है हम लोग चलेंगे अगले सेशन की तरफ, मतलब कि सॉरी अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। अगला प्रश्न कौन सा है, 12 नंबर, ठीक है, सॉरी 11 नंबर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे, 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के तट पर एक TV टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस मीनार को 20 मीटर पास से मिलाने पर कह रहा कि स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर, ठीक है ना बच्चों, एक बात ज़रा समझिएगा, कह रहा है कि बीच में नहर है यहाँ पे और एक यहाँ पे TV टावर है बच्चों, ठीक है ना, नहर के दूसरे बिंदु पे अगर ये आप इसके शिखर से जो उन्नयन कोण है मिलाएंगे बेटा तो ये कितने का है 60 अंश का है, ये कहना चाहता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, अगर आप 20 मीटर दूर जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से आप 20 मीटर दूर जाएंगे तो इस बिंदु से जो इसका कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 30 अंश का बनेगा, ऐसा वो कहना चाहता है। तो फिर कह रहा है कि बताइए कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या है, टावर की ऊँचाई और नहर की चौड़ाई क्या है बच्चों। अब एक बात बताओ, नहर तो है ये ना था बच्चों, नहर तो यही ना था, ये तो बाद में गया 20 मीटर आगे, ठीक है ना, तो नहर यही था, अगर ये दूरी प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाएगी, नहर की हमें क्या मिल जाएगी चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी और ये निकल जाएगा तो इसकी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी बच्चों। बात समझ में आई, यहाँ पे ऊंचाई और क्या क्या कह रहा है चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, ABCD, यहाँ देखिएगा त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों, ये और ये आपको प्राप्त करना है बाबू, तो क्या करना पड़ेगा, तो टेन का ही लेना पड़ेगा क्योंकि जब आधार और लंब में संबंध है तो टेन लेना आप, ठीक है ना, तो टेन साठ बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा में CB हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये करणी में 3 हो गया और ये AB बटा में क्या हो गया आपका CB, CB को उधर ले जाएंगे तो CB बराबर क्या होगा AB बटे करणी में 3 हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए अब जब हम क्या करेंगे, इस वाले में आ जाएंगे, त्रिभुज ABD में, अगर ABD में आएंगे तो यहाँ भी क्या है आधार और लंब से संबंध दिखाना है आपको, तो क्या है बेटा यहाँ पे tan 30 को ही लेना पड़ेगा,
और लंब बटा आधार यानी ए बी बटा में आधार क्या लिख सकते हैं? आप सी डी मत लिखिएगा ना, आप पूरा आधार लिखेंगे ना, बी डी आप पूरा आधार लिखेंगे बेटा, क्या बी डी लिखेंगे, लेकिन बी डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में बी डी बराबर क्या होगा कि सी डी प्लस सी बी, सी डी प्लस सी बी, ठीक है ना, सी डी प्लस सी बी हो जाएगा। और आप करणी में तीस का मान, सॉरी टेन तीस का मान करणी में तीन हो जाएगा, ए बी के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, ए बी ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। सी डी, ये सी डी कितनी है, बीस है, सी डी बीस है, और सी बी कितना है नहीं पता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जरा यहाँ पे सी बी के जगह पे आप जो यहाँ से सी बी का मान निकाले हैं वो भी तो रख सकते हैं, यहाँ पे ए बी बटा करणी में तीन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करणी में तीन ए बी हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो बीस प्लस ए बी बटे करणी में तीन होगा, इसको इधर ले जाइएगा तो करणी में तीन ए बी माइनस, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ए बी बटा करणी में तीन बराबर बीस बचेगा, यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, करणी में तीन एलसीएम होगा, गुणा हो कि ये तीन ए बी बन जाएगा, माइनस ए बी है ये बराबर बीस, तीन ए बी में से एक ए बी घटेगा तो दो ए बी बचेगा, बटे करणी में तीन जो है उधर लाकर क्या होगा, बीस करणी में तीन कटा देंगे, दस बार में कटेगा तो ए बी बराबर कितना आ गया, दस करणी में तीन मीटर। तो बेटा एक बात बताओ, ये ए बी कितना निकला, दस करणी में तीन मीटर, ऊंचाई तो निकल गया उस टावर की, अब वो नहर की चौड़ाई पूछा सी बी कितना है, ए बी की जो वैल्यू निकली ले जाकर रख दीजिएगा यहाँ पे, माने समीकरण एक है तो कहिएगा समीकरण एक में रखने पर बच्चों, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा सी बी बराबर ए बी की वैल्यू दस करणी में तीन और बटा करणी में तीन था कट जाएगा तो सी बी आ जाएगा दस मीटर, ठीक है ना। नहर की चौड़ाई कितनी है, दस मीटर की है, और टावर की ऊंचाई जो है बाबू वो कितनी की है, दस करणी में तीन मीटर की है, बात समझ में आई। तो फटाक से जो है आप लोग इसका एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, देखते हैं आगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं बेटा यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना उसको आप उसकी लैंग्वेज अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए बेटा यहाँ पे बारहवां प्रश्न क्या कह रहा है, बारहवां प्रश्न कह रहा है ना बाबू कि सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है ना। सात मीटर का ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, समझ रहे हैं आप, यहाँ देखिए यहाँ पे एक भवन है, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा एक केबल टावर है, ठीक है बच्चों, तो ये आप मिला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। वो कहना क्या चाहता है, केबल टावर के शिखर से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने का है, वो 60 अंश का है बच्चों, कितने का बेटा, 60 अंश का है। दूसरी चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कह रहा कि और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है, 45 अंश का है, ठीक है बच्चों। मतलब एक भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का 60 अंश है और केबल टावर के पाद मतलब नीचे वाले बिंदु से 45 अंश का है, यही बात कहना चाहता है आपका। तो कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है भवन की नहीं बच्चों, ठीक है ना। और ये 7 मीटर भवन की ऊंचाई आपको दे रखा है, 7 मीटर भवन की ऊंचाई बाबू आपको दे रखा है। अब बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई फजीहत, तो सबसे पहले आप जानते हो क्या करना, सबसे पहला काम आपको करना है बाबू, आपको ये ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा ए बी सी डी और ये ई, आपको त्रिभुज ए डी ई में है ना, इस वाले त्रिभुज से आपको ये ज्ञात करना है, लंब दिया है आधार ज्ञात करना है, तो क्या होगा टेन 45 बराबर लंब बटे आधार ई डी, है ना। ये टेन 45 का मान कितना होगा, एक हो जाएगा, 7/ ई डी हो गया, ई डी से गुणा करेंगे तो ई डी बराबर 7 मीटर हो गया बच्चों, ई डी बराबर 7 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब ये जब ई डी 7 मीटर है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 7 मीटर की होगी बाबू, है कि नहीं है, ये दूरी भी कितनी होगी, 7 मीटर की होगी ना। अब बताइए जरा कि त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी में जाए तो क्या होगा, आधार दिया है लंब ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये वाली दूरी तो आपको पते है कितना है, 7 मीटर का ना होगा जी, क्योंकि ये 7 मीटर थे, इसके सामने भी ये दूरी 7 मीटर का है,
और ये वाला अगर पता चल जाए और दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो पूरे टावर का क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे ना तो क्या होगा, टैन 60 बराबर लंब बटे आधार, क्या होगा एसी। 60 का मान करणी में 3, लंब नहीं पता है निकालना है, एसी का मान 7 दिया है, इसलिए बीसी बराबर कितना हो गया 7 करणी में 3, ये कितना आ जाएगा 7 करणी में 3 आ गया बीसी। बात समझ में आई। इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बेटा कितनी है आपकी, वो हो जाएगी बीसी प्लस सीडी। बीसी है 7 करणी में 3 प्लस सीडी है 7, अगर दोनों में से 7 को आप बाहर निकालेंगे करणी में 3 प्लस 1 बचेगा, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक जो है हमने बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया है। तो 12 क्वेश्चन बच्चों हमने इस पार्ट में ख़त्म किया है। अगले पार्ट में जब मिलेंगे ना तो 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो है चारों क्वेश्चन को ख़त्म कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके इसको शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।